नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में दो ऑपरेटिंग ट्रेड के स्टूडेंट हैं। पहले एक्सकावेटर सीखने हमारे पास में आए थे मिस्टर नंदलाल जी, दूसरे हमारे स्टूडेंट है अविनाश कुमार जो कि मोबाइल क्रेन सीखने के लिए आए थे। दोनों का थ्योरी, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग पूछे जा रहे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सब कुछ सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया है और सभी खुश होकर जा रहे हैं। इन लोगों का जॉब पर भी हम लोग लाइनअप कर रहे हैं, बहुत जल्दी जॉब पर भेजेंगे। तो आप भी अगर एक सफल एक्सकावेटर ऑपरेटर या फिर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनना चाहते हैं, देर नहीं करें, दिए गए नंबर पर फोन करें। जैसे पिछले 14 साल में हजारों लोग कामयाब होकर देश तथा विदेश में काम कर रहे हैं, खुद को अपने परिवारों को खुशियां दे रहे हैं, आप भी जरूर खुश होंगे और अपने परिवार को खुश रखेंगे। सफलता चाहिए तो वेलफेयर इंस्टीट्यूट आइए। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत सारे आशीर्वाद और दुआओं के साथ मैं दोनों को सर्टिफिकेट से नवाजूंगा ताकि खूब तरक्की करें, आगे बढ़े, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो हमारे पहले स्टूडेंट है मिस्टर नंदलाल जो कि एक्सकावेटर सीखने के लिए हमारे पास में आए थे। थैंक यू सर, वेलकम। हमारे दूसरे स्टूडेंट है अविनाश जो कि मोबाइल क्रेन हमारे पास में सीखने आए थे। अविनाश जी, थैंक यू सर, वेलकम। तो दर्शक ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलेंगे नंदलाल जी के पास में, अपना नाम बताएंगे, अपने पिताजी का नाम बताएंगे, कहाँ से आए थे, हमारे पास में ट्रेनिंग लेके कैसा लगा, जो सपना देख के आए थे, जो वीडियो देख के आए थे, वह सब पूरा हुआ नहीं हुआ, सारी बात अपने अंदाज में आप सभी को बताएंगे। बताइए दर्शकों को, परिचय दीजिए, बताइए कैसा लगता। मेरा नाम नंदलाल, गाँव खड़वा फतेहपुर जिला गाजीपुर से हम आए हैं व्यवहार इंस्टीट्यूट में। जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसमें का मेरा काम सक्सेसफुल हुआ और यहाँ मेरे को कोई कमी नहीं है। हम अक्सर बेटर ऑपरेटर फुल एकदम यहाँ से काम सीख के जा रहे हैं, अच्छा से जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं और यहाँ व्यवस्था सब फ्री है, रहना फ्री है और कोई सब सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। अगर हमारी बात अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें आने का कष्ट करें, अच्छा से अच्छा व्यवस्था मिलेगा, कोई कमी नहीं है। पूरे स्टाफ लोग भी खुशी खुशी रहते हैं, हमारे सर हैं ये भी पूरा खुशी खुशी पूरा इंस्टीट्यूट में लड़कों को पढ़ाते लिखाते हैं, किसी से नाराज़गी नहीं है, अच्छा से बोल बात रतन राना सब कुछ इन लोगों का व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो यहाँ आइए, अपना खुशी खुशी कोई भी काम सीख के जाइए। दर्शक एक शब्द में बताना चाहूंगा, नंदलाल जी ने अपना अपने भावनाओं को अपने फीलिंग को और जो भी इनको यहाँ पे रहने में सुविधा मिली पढ़ाई में प्रैक्टिकल में बताया इन्होंने आप सभी को। देखिए कोई इंसान खुश कब होता है, जब वो जो सपना लेके चला था, चाहे वीडियो देख के आप हमारे पास में आए थे या किसी भी साधन से हमारे पास में आए थे और सेम चीज अगर वैसा मिल जाए या उससे अच्छा मिल जाए तो लोग खुश होते हैं। तो आप भी अगर एक सफल ऑपरेटर बनना चाहते हैं बिना किसी संकोच के आइए, आप लोग हमारे छोटे भाई की तरह हैं, आप हमारे शहर में हमारे गेस्ट हमारे मेहमान की तरह हैं, आपका ख्याल रखा जाएगा। हम लोग केन टायरों का फिल्टर भी लगा के रखे ताकि आप साफ सुथरा पानी पिए, पानी यहाँ हर व्यवस्था है, पानी फिल्टर है, एआरओ लगा हुआ है, लिफ्ट भी है, कोई चीज का कमी नहीं है। रोड में पास में हम लोग का मार्केट भी है, खाने बनाने घूमने फिरने का कोई यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हम लोग सुबह अपने इंस्टीट्यूट में आते हैं, हंस खेल के शुरू करके सर के पास से मिल के जाते हैं, अपना आराम से रूम में रहते हैं, कोई यहाँ कमी नहीं है ना किसी का दबाव। एक सफल ऑपरेटर बनने के लिए जरूरत होती है कि आपको अच्छी थ्योरी, अच्छी प्रैक्टिकल, अच्छा रहने का सुविधा, अच्छे ऑफिस, अच्छे एम्प्लॉय की व्यवहार। जी मेरे जितने एम्प्लॉय है सबका व्यवहार कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर, इसीलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ यहाँ का व्यवहार हम लोग को बहुत खुश किया, अच्छा से हम लोग कोई कमी नहीं है, खुश होके जा रहे हैं। आए तभी नहीं कोई दुख था, जा रहे तब भी नहीं कोई दुख है, अच्छा से हम लोग जा रहे हैं। ऐसा और मैं दुआ करता हूँ नंदलाल जी कि आगे भी आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। जी आपने कहा है जब आए थे तो भी दुख नहीं था, जा रहे तो भी कोई दुख नहीं है, और मेरी ये दुआ है कि आपके जीवन में आगे भी कोई दुख नहीं है, आप खूब तरक्की करें, आगे बढ़े, अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज की नौकरी मिले आपको। जी आप हमारे सर जो बताएं, आप आगे जाके आप अच्छा अच्छा काम करो, इसलिए मैं सर के लिए थैंक यू बोलता हूँ। वेलकम। तो दर्शक आप जो एक्सकावेटर मशीन देख रहे हैं ये नंदलाल जी ही चला रहे हैं, आइए नंदलाल जी से पूछते हैं कि अगर इनको कोई भी एक्सकावेटर दिया जाए तो चला पाएंगे आप? जी सर। सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमको जिस हिसाब से प्रैक्टिकल कराया गया है उस हिसाब से मैं अपने मन में इतना विश्वास रखता हूँ कि हमको कोई गाड़ी अगर एक्सकावेटर मिल जाए तो मैं उसको
ओवरटेक कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, या नाली में या डंपर में या किसी जगह पे हम उसको ऑपरेट ऑपरेट कर सकता हूँ। मेरे को कोई संचुक नहीं है, उतना प्रैक्टिकल में जानकारी दिया गया है सर के माध्यम से। हमारे सर जहाँ भी हमको प्रैक्टिकल कराएं, पूरा कंप्रेस एकदम अच्छा से अच्छा मेरे को सिखाया गया। तो जो भी इनके सगे संबंधी दोस्त रिश्तेदार देख रहे हैं, भारतीय वासी देख रहे हैं, जो एक्सकवेटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, इनके बातें सुनकर अगर मोटिवेट हुए हैं, आप भी ऑपरेटर बनना चाहते हो, देर नहीं करें, दिए गए नंबर पे फोन करें, हम लोग आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, काम सिखाएंगे भी, काम पे लगाएंगे भी। तो दर्शक, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मिलाता हूँ आज के हमारे दूसरे स्टूडेंट से, जिनका नाम अविनाश है, जो कि मोबाइल क्लियरेंस सीखने आए थे हमारे पास में। मैं थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोल रहा हूँ लेकिन दुआई दे रहा हूँ। इनकी हाइट माशाल्लाह काफी लंबी है, अमिताभ बच्चन जी जितना लंबे होंगे अगर मैं ऐसा देखूं तो मेरी दुआ है कि उनके जैसा ये नाम रोशन करे, उनके जैसा पैसा कमाए, उनके जैसा आगे बढ़े, ये मेरी दुआ है। जितने आप लंबे हैं आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना लंबा उतना बड़ा हो जाए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को मिलाता हूँ अविनाश जी से, खुद से अपने बारे बताएंगे, कैसा लगा इनको यहाँ पे क्लास करके। नमस्ते, मैं अविनाश कुमार, जिला इलाहाबाद से यहाँ आए सर का वीडियो देखकर मोबाइल क्रेन सीखने के लिए। यहाँ ट्रेनिंग क्लास भी अच्छे तरीके से कराते हैं और प्लस प्रैक्टिकल हम अच्छे तरीके से सीख लिए। और दूसरी चीज़, यहाँ के स्टाफ भी सपोर्ट करते हैं, चाहे थ्योरी से लेकर चाहे प्रैक्टिकल से लेकर। और यहाँ आइए, अपना काम सीखिए, सीखने के बाद आप अच्छे से जाइए, कहीं कहीं आप सेलेक्ट हो जाइए। अगर आपका सपना है अच्छे पैसे कमाने से, एक बार वेलफेयर इंस्टीट्यूट में आप आइए और यहाँ से अच्छे सीख के जाइए। दर्शक, आप जो पीछे मोबाइल क्रेन देख रहे हैं, ये अविनाश जी ही चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही मोबाइल क्रेन नहीं, कोई भी मोबाइल क्रेन को दिया जाएगा तो खुद से चला लेंगे। आइए पूछते हैं इनको, अविनाश जी आपको मोबाइल क्रेन कोई भी मिलेगा तो चला लेंगे? जी सर, कोई सा भी आप मोबाइल क्रेन देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाया गया है। लीवर कंट्रोलिंग, स्विंग, बूम अप डाउन, सारा सब चीजें हम कर लेंगे अपने, ये कॉन्फिडेंस है। क्रेन आपको पूरी की पूरी हाथ में दी गई या फिर क्रेन खड़ी नहीं, 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 क्रेन को पूरा जो है हमको प्रैक्टिकल तरीके से मेंटेनेंस के बारे में सारी सब चीजें बताई गई, सिखाई गई, हाथ पकड़ गई, अच्छे से चलाया जी, अच्छे से। अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि अपने चला लेंगे। अगर आप क्रेन सीखने के लिए आ रहे हैं, हमारी अपनी खुद की क्रेन है, भरपूर प्रैक्टिकल मिलता है जी, कार में लेके जाएंगे, कार में लेके आएंगे, फ्री है और 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी है। इंडिया में काम सीखा के गारंटी के साथ काम पे लगा देंगे, जहाँ काम पे भेजेंगे वहाँ भी आपका रहना फ्री होगा। शुरुआती सैलरी 9,000 से 15,000 होगा, तो कम समय में कम पूंजी लगा के किसी भी वजह अगर कम पढ़ पाए, कारण बहुत सारे होते हैं हमारे, कुछ भाई पढ़ नहीं पाते या फैमिली की जिम्मेदारी होती है, जल्दी से कमाना चाहते हैं, तो उन भाइयों के लिए एक्सकवेटर यानी पोपलैंड और मोबाइल क्रेन बहुत अच्छी गाड़ी है, जरूर सीखिए। इसकी वैकेंसी देश में और विदेश में बराबर आती है, ये सदाबहार ट्रेड अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो सपने देखने से साकार नहीं होते, जैसे आपने देखा दो भाई अपने घर को छोड़ के आज आए हमारे पास में, रहे, क्लास किया, प्रैक्टिकल किए, आज खुशी खुशी जा रहे हैं, जॉब का भी हम लोग लाइनअप कर दिए, बहुत जल्दी लोगों का जॉब लगेगा। तो आप भी अगर सफल ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो अपने घर से, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जाड़े में ठंडक का एहसास होगा, गर्मी में गर्मी लगेगी, बरसात में भीगने का डर होगा। जिसने बाधाओं को ताक पे रखा है उसी ने इतिहास को रचा है, उसी ने अपने भविष्य को अच्छा बनाया है जी। नहीं तो कम समय में जो महंगाई चल रही है नंदा जी, जितने महंगाई चल रही है 5-10 हज़ार में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, राशन भी नहीं मिलेगा थोड़े दिन के बाद में 5,000 में, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार खुश हो, आप खुश हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े, तो आज आपको काम सीखना होगा, काम पे लगना होगा। थोड़ा दिन इंडिया में काम कीजिए 6 महीने एक साल, फिर सऊदी दुबई ओमान जाने का प्रयास करें, बिकॉज वहां पे सैलरी ज्यादा मिलती है सऊदी दुबई में, है ना, रियाल में, दिरहम में, दिनार में सैलरी मिलता है, तो जिससे इंडियन करेंसी में ज्यादा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, हम तीनों भाई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यूपी के हित के लिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, किसी भाई का जो है भविष्य उज्ज्वल बन सके, आए काम को सीखे और अपना भविष्य बनाए, अपना भविष्य कि देश के हित के लिए, ऐसे युवाओं के हित के लिए जो आज परेशान है, काम नहीं सीख पा रहे, दिशा नहीं मिल पा रहा है, उनके हित के लिए इस वीडियो को देश के कोने कोने तक शेयर करें, ताकि सभी लोग काम सीखे, सभी काम पे लगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।